कहाँ जा रहे हैं हमने कौन बताना चाहेगा? वी आर डिपार्टिंग टू वॉच ब्लैक एडम एंड वी हैव प्लान दिस फॉर दिस मूवी बिफोर दीपावली बट वी हैव वेटेड एंड सेलिब्रेटेड दीपावली एंड नाउ वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट ब्लैक एडम हियर एंड वी विल एंजॉय आवर बेस्ट हियर एंड हियर अभिषेक सर इज ड्राइविंग हम अपने लैंड क्रूजर से अभी अभी निकले हैं पीछे हमारे आशीष सर हैं जो कि एक लंबी छुट्टी से वापस आए हैं बहुत लंबी छुट्टी और हमारे साथ हमारे डीएस सर मौजूद हैं डीएस सर सारी बारीकियां पकड़ते हैं मूवीज की उन्होंने जो है आशीष सर के बारे में बताएंगे कि इन्होंने कोई एडवेंचरस स्पोर्ट जो है बचा नहीं है जो किया ना हो जी काफी एडवेंचरस कार्य बहुत ज्यादा इन्होंने नहीं से पूछा जाए अब क्या क्या किया सर बताइए हाँ सर आपने कौन कौन से एडवेंचरस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है सर जल्दी जल्दी पहले तो हमने जो है रिवर राफ्टिंग की फिर गंगा ड्राइविंग की ओके और फिर हाई जम्प किया इन गंगा जो कि करीब 50 से 60 फीट ऊंचाई से हमने उसमें जंप किया ओफो क्या बात है ये बहुत ही हिलेरियस और एडवेंचरस था ओहो मुझे लग रहा है कि और अभी जो हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं उसके बारे में आपके क्या विचार ये उसी का एक पार्ट है कि उससे हम इंस्पायर होकर के ये मूवी देखने जा रहे हैं कि हमें लगा कि इस मूवी में भी काफी थ्रिल और काफी सस्पेंस ओके तो वी आर गोइंग टू वॉच द थ्रिल देर में हम आपको सहारागंज ले चलेंगे और वहाँ पीवीआर में आपको पीवीआर भी दिखाएंगे और पीवीआर में ब्लैक एडम जो है रूमी गेट से गुजर रहे हैं ये अब हम लोग जो है रूमी गेट से निकल रहे हैं और अभिषेक सर काफी मुस्तहदी के साथ जो है गाड़ी चला रहे हैं आगे का अपडेट क्या बताना चाहोगे कोई अपडेट नहीं है पहले पेट पूजा फिर पेट पूजा के लिए हम लोग आए हैं ये है आपका वाजपेयी कचौड़ी भंडार कोई हमें बताए कि लिफ्ट कहाँ है हमारी गाड़ी लॉक हुई है बताइए इसमें से कौन सी ली जाए आशीष सर बताइए जो भी अपने पास जो अनलॉक हो जाए जो सबसे पहले लिफ्ट खुल जाए कहीं लिफ्ट बताई थी भाई साहब ने कि इधर है इधर है चलिए ये तो ऊपर जा रही है पांच पे जा रही है नहीं दो पे आ गई दो पे आ पांच दिख रहा है देखो ना हाँ वो उल्टा लेकिन ये एरो भी तो देखो भाई तो हम कह रहे हैं कि उल्टा जा रही है तभी तो हम इतना आश्चर्य मिरर के बर्तन ऐसा करिए आशीष सर इसको ऐसे चीर दीजिए हनुमान जी की तरह आपको बताएगा कि हम लोग गलत फ्लोर पे तो नहीं है नहीं हम लोग एकदम सही फ्लोर पे ये वाली लिफ्ट बहुत तेज चल रही है हम लोग इससे क्यों नहीं आए थे अगर हम अंदर से आते तो इस बहुत ही अच्छी लोकेशन है यहाँ पर हरीश सर तो गोरे लग रहे हैं अरे मतलब पहले से वो बिंदु थे लेकिन अब वो और ज्यादा गोरे लग रहे हैं देखो हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी सीट पर और यहाँ पर ये जो ट्रेलर दिखाया जा रहा है ये भी मूवी बहुत अच्छी है और हम लोगों ने प्लान बना लिया है कि हम फिर से आएंगे सर क्या कहना चाहेंगे वह काफी अंधेरा है कब आएगी जल्द आएगी इन्होंने डेट नहीं बताई जो उद्देश्य था वो ये था जब कोई अपना जताए प्यार ऐसा बताया जा रहा है कि आधी मूवी खत्म हो चुकी है और अभी इंटरवल चल रहा है सबों के घर को जब अभी तक शानदार दिख रही है अभी तक हम लोग को बैकग्राउंड म्यूजिक जो इसकी फेवरेट वाली है वो नहीं इसके लिए हम लोग खास करके इतनी दूर आए हैं वो पल ही तो सर जी क्या कहना है मूवी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है ऐसा लग रहा है प्लॉट मूवी का बहुत अच्छा है अभी इंटरवल है और बहुत जल्दी के साथ फिर से बैंक ऑफ बरूना की कुछ क्लिप्स और मूवी का अच्छे रिव्यू तो मूवी के बारे में क्या बताना चाहेंगे मूवी तो बढ़िया है बढ़िया नो डाउट मूवी बढ़िया है बहुत ही बढ़िया या फिर से बढ़िया जितने पैसे लगे वो जो है वसूल हो गए ऐसा मैं कहूंगा ना पहले बताइए तो मूवी के बारे में क्या मूवी सर बहुत ही शानदार थी आदमी को देखनी चाहिए आजकल जो बेवकूफ़ी भरी मूवियाँ बन रही हैं उससे बहुत बढ़िया मूवी है बहुत बढ़िया आई और देखना जरूर है पैसा वसूल है फुल एक्शन है और मज़ा आएगा लाइटें दिखाई जाएंगी तो ये है शाम अवध हम अपने वादे पे काम आप देख रहे हैं शाम अवध हम अपने वादे पे क्या है हम अपने वादे पे कामिल हैं कायम है कायम चून नहीं है कायम है और आप भी अपना वादा जो निभाइएगा लाइक सब्सक्राइबर शेयर जरूर करिएगा और
जरूर दबाइए, तोड़ दीजिए शायद, क्योंकि अगली वीडियो जल्द आएगी। ये वाली वीडियो भी खत्म नहीं हुई, देखते रहिए। ये देखिए, इसके नीचे से मेट्रो का वो गया है, यहाँ से मेट्रो अंडरग्राउंड हो जाती है, मतलब मेट्रो डॉन बन जाती है और वो अंडरग्राउंड हो जाती है। वो वाला चलाइए दोनों तरफ। अब जो है हम लोग डुअल वीडियो चला रहे हैं, अभिषेक सर के बताने पे मैंने उसे ढूंढ लिया, पहली बार ऑन किया है मेरा मोबाइल वैसे तो, और सब लोगों ने मूवी देखी, मूवी हम लोगों को बहुत पसंद आई। डी एस सर और अभिषेक सर यहाँ पे बैठे हुए हैं, पीछे हमारे आशीष सर। के डी सिंह बाबू स्टेडियम मेट्रो के नीचे है, ये जो पुल है, ये खम्भे आप देख रहे हैं, लेकिन ये मेट्रो का खम्भा है और हम लोग मेट्रो सिटी में हैं। ये परिवर्तन चौक है, यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ है बहुत सालों से। परिवर्तन चौक में कोई परिवर्तन आया नहीं है। बेगम हजरत महल के बारे में बताइए। नवाब बादित अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल है, जो बारादरी चौक है उसके पीछे इनका जो है मेन निवास हुआ करता था, और यहीं पर उन्होंने जो है ये जहाँ पे क्या हजरत महल पार्क बना हुआ है 1857 के रिवॉल्ट में उन्होंने जो है यहीं पे युद्ध किया था अंग्रेजों से। जब उनको लगा कि हम युद्ध हार जाएंगे तो वहाँ से नेपाल से दिल्ली, जहाँ पे उनका मकबरा अभी भी बना हुआ है। बना हुआ है। वाह, आज इतना जानकारी।